दोस्तों बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन में यह एलगी चैप्टर की दूसरी सीरीज है। इस सीरीज में आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण सवालों का हल और उनका पूरा विस्तार भी देखेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें एक सवाल पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर सवाल का हम पूरा विस्तार भी आपको समझाएंगे। और बता दें कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आप बहुत दिन पहले का पढ़े हैं भूल गए हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं। इसमें देखिए जो पहला सवाल है उसमें कहा गया है प्रदूषण के जैविक सूचक हैं, यानी कि बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से पौधे हैं जो बायो इंडिकेटर हैं पॉल्यूशन के। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है लाइकेन, दूसरा है मॉसेस यानी कि काई, और तीसरा विकल्प है एल्गी, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें बता दें आपको पहला विकल्प सही है, लाइकेन यानी कि सैक या फिर लाइकेन। ये जो लाइकेन होते हैं यह एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जैविक सूचक होते हैं। जिस एरिया में या फिर जिस शहर में एयर पॉल्यूशन बढ़ने लगता है उस शहर में लाइकेन गायब होने लगते हैं, यानी कि उस एरिया में लाइकेन गायब होने लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही है, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है पर्ड टीमस यानी क्रस्टोज, पर्डिल यानी फोलियोज और छुपिल यानी कि फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं। इनका जो इंग्लिश नाम है वो काफी आसान है, आप इन्हें ही याद करें तो काफी आसान रहेगा आपको। इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं। इंग्लिश में इसे देखें तो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज आर प्लेस्ड, यानी जो क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज हैं उन्हें किस समूह में रखा गया है या फिर यह किस समूह के पौधे हैं। तो इसमें पहला है कवक यानी कि फंजाई, दूसरा है सैवाल यानी कि एल्गी, और तीसरा है लाइकेन, और चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो आपको बता दें कि इसमें तीसरा विकल्प सही है, सैक या फिर लाइकेन, यानी कि जो क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज हैं ये लाइकेन के प्रकार हैं। तो दोस्तों बता दें कि लाइकेन का क्लासिफिकेशन किया गया है तो 3 तरह के लाइकेन बताया गया है। पहला जो है क्रस्टोज, ऐसे लाइकेन होते हैं जो चट्टानों पर एकदम ऐसे चिपके होते हैं, चट्टानों पर इस तरह से चिपके होते हैं तो इसे क्रस्टोज कहा जाता है, क्योंकि क्रस्ट का मतलब होता है चट्टान। दूसरा जो है वो फोलियोज है, फोलियोज का मतलब होता है पत्ती जैसा लाइकेन, तो ये चट्टानों पर पत्ती की तरह से, इस तरह से पत्ती की तरह ये लाइकेन दिखते हैं, इनका थैलस पत्ती की तरह से दिखता है तो इसलिए इन्हें फोलियोज कहते हैं। और फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं ये झाड़ी की तरह से या फिर रेसे की तरह से इस तरह से लटके होते हैं तो इन्हें फ्रूटिकोज लाइकेन कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज ये लाइकेन के प्रकार हैं या लाइकेन समूह में रखे गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं, मतलब नीचे जो प्रकार दिए गए हैं पूछा गया इसमें से कौन लाइकेन के प्रकार हैं। तो इसमें पहला है फोलियोज, दूसरा है फ्रूटिकोज, तीसरा है क्रस्टोज। तो अभी इसके पहले ही आपने देखा कि फोलियोज, फ्रूटिकोज, क्रस्टोज ये तीनों लाइकेन के प्रकार हैं, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं, एक्टोकार्पस एक एल्गी है, पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर उगती हैं, यानी कि एक्टोकार्पस जो प्लांट है एल्गी के ये कहाँ पर उगते हैं। तो पहला है तालाबों में, दूसरा है समुद्र में, तीसरा है नदियों में, चौथा है केवल कच्छ क्षेत्रों में यानी कि ओनली मार्सी प्लेस। तो दोस्तों जो एक्टोकार्पस एल्गी है यह समुद्र में उगती है, सागर में पाई जाती है। आपको बता दें कि एक्टोकार्पस पूरे विश्व भर में पाई जाने वाली एक एल्गी है और यह खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि पोलर रीजन में पाई जाती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं ठंडे प्रदेशों में यह पाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों के ठंडे जल में यह पाई जाती है। यह एक जलीय पौधा है, आपको पता है कि एल्गी जलीय होते हैं, तो यह समुद्र के ठंडे जल में पाई जाती है। हालांकि आप सारी बातें जानते रहिए, यहाँ विकल्प में केवल लिखा है समुद्र में, तो यहाँ पर यही विकल्प सही है, सी यानी कि समुद्र में
बी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी एक एल्गी का क्लास है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें संचयी भोज्य पदार्थ क्या होता है, यानी रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में पाया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल। पहला है वसा यानी कि फैट, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है प्रोटीन, चौथा है ऑयल यानी कि तेल। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, स्टार्च यानी कि जो क्लोरोफाइसी क्लास है एल्गी का उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। यहाँ पर कुछ जीवों का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि आकार की विभेदन यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज यानी केंद्रक की क्या भूमिका है, इस चीज की खोज किस प्राणी में हुई थी यानी किस जीव में हुई थी। तो पहला है ड्रोसोफिला में, यह एक मक्खी है, और दूसरा एसिटेबुलेरिया, यह एक शैवाल है, तीसरा हरी मटर, मटर आप जानते ही हैं, और चौथा है न्यूरोस्पोरा। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से किस जीव में आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। तो आपको बता दें एसिटेबुलेरिया शैवाल में आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक की खोज की गई थी। यहां पर यह बताया गया था कि जो केंद्रक होता है यह मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में मुख्य रोल अदा करता है, यानी जो सेल के अंदर केंद्रक होता है यह आकार की विभाजन में यानी कि एक से दूसरे प्राणियों के बीच जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है उसमें केंद्रक का रोल होता है, और इस प्रयोग में साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच क्या संबंध है इस चीज को भी बताया गया था, और जिस प्रयोग के दौरान यह चीज सिद्ध कर दी गई थी उस प्रयोग को हैम्बरलिन प्रयोग कहते हैं। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर एस्टेबुलेरिया सही है यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, किसमें डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं। तो पहला है जिग्निमा, दूसरा है सार्गासम, तीसरा है उडोगोनियम, चौथा है पॉलीसाइफोनिया। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, सार्गासम में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं यानी कि डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो लिटमस है एक नेचुरल डाई है, यह किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो लिटमस है वह रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नाम तो नहीं पूछा है, बस केवल लाइकेन ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन आप जानते रहे कि रोसेला लाइकेन से लिटमस नाम की जो डाई या फिर स्टेन है वह प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से, बाकी यहाँ पर केवल लाइकेन है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर्सिन स्टेन, फिर इसके बाद खाली जगह दिया गया है और आगे लिखा गया है के थैलस से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑर्सिन स्टेन जो है वह किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है। नीचे इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, द स्टेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थैलस ऑफ, ऑर्सिन स्टेन किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है, मैंने अभी बताया था रोसेला प्रजाति से, जो लाइकेन की रोसेला प्रजाति है उससे स्टेन प्राप्त किया जाता है, लिटमस भी प्राप्त किया जाता है और ऑर्सिन भी प्राप्त किया जाता है। तो चारों विकल्प में देखिए पहला क्या है, रोसेला प्रजाति, दूसरा है क्लेडोनिया प्रजाति, तीसरा है उसनिया प्रजाति और चौथा है पार्मेलिया प्रजाति, प्रजाति का मतलब स्पेसीज। तो पहला विकल्प यहां पर सही है, रोसेला प्रजाति से ऑर्सिन स्टेन भी प्राप्त किया जाता है और लिटमस स्टेन भी प्राप्त किया जाता है, और जो क्लेडोनिया प्रजाति है इसका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसनिया प्रजाति से उसनिक एसिड प्राप्त किया जाता है, और पार्मेलिया से मेडिसिनल एक प्लांट है, इससे दवा बनाई जाती है, खासकर मिर्गी की दवा से बनाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है, यानी जो वालवॉक्स एल्गी है उसकी कॉलोनी की संरचना कैसी होती है। तो पहला है गोलाकृति, दूसरा है अंडाकार, तीसरा चपटी और चौथा बेलनाकृति। तो आपको बता दें इसमें गोलाकृति सही है, पहला विकल्प सही है ग्लोब्यूलर, यानी जो वालवॉक्स की कॉलोनी होती है यह गोल होती है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीनस वालवॉक्स निम्न में से किस वर्ग या क्लास में आता है? वालवॉक्स जो एल्गी है, वालवॉक्स एल्गी इस तरह की होती है और यह कॉलोनी में पाई जाती है। इस तरह से इसकी कॉलोनी होती है और यह कॉलोनी में इस तरह से पाई जाती है। और पूछा जा रहा है कि ये जो वालवॉक्स है यह किस क्लास में आती है, किस क्लास में रखी गई है एल्गी के। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्लास में वालवॉक्स को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वालवॉक्स का थैलस कहलाता है, वालवॉक्स का थैलस क्या कहलाता है? तो पहला है सीनोसाइट, दूसरा है सीनोबियम, तीसरा है कॉलोनी और चौथा है तंतु यानी कि फिलामेंट। तो आपको बता दें वालवॉक्स की कॉलोनी सीनोबियम कहलाती है। यह कॉलोनियल एल्गी है, तो आप सोच रहे होंगे क्यों इसकी कॉलोनी को कॉलोनी नहीं कहा जाता है, क्यों सीनोबियम कहा जाता है। तो आपको बता दें कि अगर समूह में कोई भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं तो उन्हें कॉलोनियल कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो कि उस कॉलोनी के अंदर इनकी संख्या निश्चित हो यानी कि कुछ सीमित संख्या के साथ कॉलोनी में रह रहे हो तो उसे सीनोबियम कहा जाता है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, इस तरह से इनकी कॉलोनी होती है वालवॉक्स की, तो इस कॉलोनी में इनकी संख्या निश्चित होती है, मतलब 500 से लेकर लगभग 60,000 तक की संख्या में वालवॉक्स पाए जाते हैं एक कॉलोनी में। तो यहाँ पर संख्या निश्चित हो गई, इसलिए इसकी कॉलोनी को सीनोबियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लैकिया अवस्था फिर खाली जगह है के जीवन चक्र में मिलती है, यानी कि प्लैकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, यानी किसकी लाइफ साइकिल में प्लैकिया स्टेज पाई जाती है या प्लैकिया अवस्था पाई जाती है। पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है वालवॉक्स, तीसरा है यूलोथ्रिक्स और चौथा है स्पाइरोगाइरा। तो यहाँ पर भी जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि वालवॉक्स में ही प्लैकिया अवस्था पाई जाती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रहस्य है, तो आप इसे विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, इसकी जो कॉलोनी होती है यह इस तरह से राउंडेड यानी कि गोल होती है और ये कॉलोनी में इस तरह से इसके सदस्य लगे होते हैं, यानी कोशिकाएँ कॉलोनी में इस तरह से अरेंज होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि एक सेल कॉलोनी से थोड़ा अंदर की तरफ धंस जाती है, जैसे ये वाली सेल मान लीजिए कि कॉलोनी के थोड़ा सा अंदर चली गई और साइज में थोड़ा सा बढ़ गई, तो फिर इसके बाद क्या होगा? अब यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, यानी कि इसमें डिवीजन होगा और एक से यह 8 सेल बन जाएगी। तो जो 8 सेल की जो एक अवस्था बनेगी अंदर, इसी को क्या कहेंगे? प्लैकिया स्टेज बोलेंगे। बाद में 8 सेल से और सेल बढ़ जाएंगी डिवीजन के बाद, और फिर डिवीजन करते करते जब सेल बढ़ जाएगी तो फिर यह कॉलोनी, इस कॉलोनी बड़ी वाली जो पहली कॉलोनी थी, इससे बाहर आ जाएगी और फिर एक नई कॉलोनी बना देगी। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जो अंदर यह सेल जा करके एक नई कॉलोनी बनाई 8 कोशिकाओं की, इसी कॉलोनी को प्लैकिया स्टेज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बौना नर पाया जाता है, बौना नर का मतलब ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन। पहला विकल्प है ऑसिलिटोरिया, दूसरा है एक्टोकार्पस, तीसरा है पॉलीसिफोनिया, चौथा है उडोगोनियम। तो यहां पर चौथा विकल्प सही है, उडोगोनियम। उडोगोनियम में बौना नर पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि उडोगोनियम जो एल्गी है वह दो तरह की होती है, डायोसियस और मोनोसियस, यानी कि एक लिंगी भी और दो लिंगी भी। तो इसमें जो एक लिंगी प्रजाति होती है उसमें जो फीमेल प्लांट होता है वो काफी बड़ा होता है और जो मेल प्लांट होता है वो छोटा होता है। तो सेक्स आर्गन यहाँ दो पौधों पर लगते हैं, जो मेल सेक्स आर्गन होता है एंथ्रीडिया वो छोटे वाले पौधे पर लगता है और जो फीमेल सेक्स आर्गन उगोनिया है वो बड़े वाले पौधे पर लगता है। तो यहाँ पर जो छोटा वाला पौधा होता है इसको बौना पौधा या फिर नैनेंड्रस कहते हैं, नैनेंड्रस भी कहते हैं, आप इसे याद रखिए, नैनेंड्रस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसे नैनेंड्रिया भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि बौना नर पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? उडोगोनियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मिल गया, नैनेंड्रिया पाई जाती है, तो अब आप समझ गए होंगे कि नैनेंड्रिया किस में पाई जाएगी। तो पहला है क्लैडोफोरा में, दूसरा है उडोगोनियम, तीसरा कारा में, चौथा एक्टोकार्पस में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प यानी दूसरा विकल्प सही है, उडोगोनियम में नैनेंड्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूपात्मक द्विरूपता यानी कि मार्फोलॉजिकल द्विरूपता या मार्फोलॉजिकल डाइमार्फिज्म के थैलस में पाया जाता है। मार्फोलॉजिकल डाइमार्फिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया मार्फोलॉजिकल डाइमार्फिज्म यानी कि जो मेल और फीमेल पौधे हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। डाइमार्फिज्म का मतलब दो तरह से द्विरूपता होती है, वो किस पौधे में मिलती है तो आप समझ गए स्पष्ट कि ओडोगोनियम में मिलेगी, क्योंकि ओडोगोनियम में जो मेल प्लांट होता है वो काफी छोटा होता है यानी कि बौना होता है और जो फीमेल प्लांट होता है वो बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर द्विरूपता है कि नहीं, दो रूप में है, एक छोटे रूप में है और एक बड़े रूप में है, तो यहाँ पर लैंगिक द्विरूपता या फिर मार्फोलॉजिकल द्विरूपता मिल रही है यानी मेल फीमेल अलग अलग है, तो यह ओडोगोनियम में पाया जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किसने की, पहला है मेंडल, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है टुलसन, चौथा है डार्विन। तो आपको बता दें यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, टुलसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लाइकेन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है सैक के दो मुख्य घटक हैं, सैक का मतलब क्या होता है, लाइकेन, सैक का मतलब है लाइकेन, आप याद रखेंगे। लाइकेन के अंदर दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो विषाणु और जीवाणु, ये तो गलत है, विषाणु और कवक ये भी गलत है, और तीसरा है जीवाणु और शैवाल ये भी गलत है, और चौथा विकल्प है शैवाल और कवक यही सही है, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी सवालों का जवाब के साथ साथ उनका विस्तार भी अवश्य समझ पाए होंगे। कमेंट करके बताइए कि कितने सवाल आपको पहले से आ रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।